नमस्कार, मैं अनामिका। जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। कांग्रेस ने बिहार सरकार को दी नसीहत। शिक्षकों के साथ सूत्री मांग पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने राज्य सरकार से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना पर विचार विमर्श होना चाहिए। रोड सेफ्टी और प्रदूषण से निपटने के लिए बनेंगे नियम। सूचना भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने बताया कि राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसमें राज्य में रोड सेफ्टी को लेकर भी कुछ नियमों को लागू किया जाएगा। इसके लिए डिवाइडर फुटपाथ और ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। तेजस्वी यादव की अब मंदी सियासत। राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब तेजस्वी ने आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की बढ़ती समस्याओं का मुद्दा उठाया है। दरअसल हाजीपुर में पेप्सी के एक प्रोडक्शन यूनिट के बंद होने के बाद तेजस्वी का नीतीश कुमार पर निशानों का दौर तेज हो चुका है। बिहार शिक्षकों पर नीतीश कुमार का तंज। शिक्षक दिवस के मौके पर एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित उन्नयन कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के हुए वाक्य पर तंज कसते हुए कहा है कि जो भी करेंगे वो हम ही करेंगे, कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला है। जियो फाइबर हुआ लॉन्च। जियो फाइबर में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस वीडियो कॉल को जियो फाइबर का इस्तेमाल करते हुए सेट टॉप बॉक्स के अलावा लैपटॉप और मोबाइल फोन से भी किया जा सकेगा। शकील अहमद हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जिसके पश्चात ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शकील अहमद भी शामिल हो सकते हैं। बिहार शिक्षक दिवस पर 20 शिक्षक हुए सम्मानित। शिक्षक दिवस के मौके पर एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित उन्नयन कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने शिक्षक दिवस पर कही ये बात। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने नियोजित शिक्षकों के विषय में कहा कि टकराव का माहौल बनाने से राज्य का विकास कभी भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना छोड़कर हड़ताल करना अच्छी बात नहीं है, बैठकर बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वाहनों का सीएनजी में होगा तबादला। बिहार में सभी व्यावसायिक वाहनों को सीएनजी में तब्दील किया जाएगा। शुरुआत में वाहन धारकों को अपनी स्वेच्छा से अपने वाहनों का बदलाव सीएनजी में कराने का प्रस्ताव दिया जाएगा, पर उसके पश्चात यह नियम अनिवार्य हो जाएंगे। नए सड़क नियम का मकसद लोगों का जीवन बचाना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोड नियम को लेकर कहा कि यातायात का नियम उल्लंघन करने पर फाइन में वृद्धि करने का मकसद लोगों को कानून पालन कराने के लिए बाधित करना है, जिससे कि उन्हें अनहोनी से बचाया जा सके, न कि सरकारी खजाने को भरने के लिए। सुशील मोदी देश के हित में राजनीति में फायदे नुकसान नहीं देखते हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा दोनों ही मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र की जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं, राजनीति बाद में। हमारी सरकार घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक फायदे नहीं देखती। भागलपुर से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव। योजना एवं विकास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सरकार द्वारा भागलपुर से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जिसके साथ ही बड़े एयरपोर्ट के लिए जमीन भी देखी जा रही है। बिहार डीजीपी पहुंचे सिवान, थानेदारों में मची खलबली। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिसिंग सेवा को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने सिवान पहुंचकर काफिला किया, जिसमें उन्होंने थानेदारों को सलाह दी कि थाने को मिडिलमैन से मुक्त रखें, जनता को अनावश्यक परेशान न करें। एक बार फिर बने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल। बिहार में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफा दिए गए शक्ति गोहिल को एक बार फिर से कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी की कमान इनके हाथों में आ गई है। पटना से राजगीर को जोड़ेगी नई सड़क, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से राजगीर जाने के लिए नए सड़क को जोड़ने के लिए अलाइनमेंट की सहमति दे दी है। इस सड़क के बन जाने से पटना राजगीर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर तक घट जाएगी। इससे पटना नालंदा नवादा शेखपुरा जाने वाले पर्यटकों को सीधा फायदा होगा। जदयू के नारे के पलट जवाब में राजद ने जारी किया नारा। नीतीश का ठीके के जवाब में जदयू के नारे के पलट जवाब में राजद ने नारा दिया है, कर लिया है विचार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इसके साथ ही कविता भी पोस्ट की है, क्यों ना करे विचार, पलटी मार है नीतीश कुमार। चुनाव के जंग में राजद और जदयू हो गए हैं अब आमने सामने। बिहार युवाओं को बिहार की नौकरियों में मिले 80 से 90% का स्थान।
बिहार में बेरोजगारी की मार सह रहे युवाओं की चिंता बिहार सरकार को नहीं है, बल्कि 70-80% तक नौकरियां दूसरे राज्य के लोगों को दे दी जाती है। हम के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के युवाओं को अपने राज्य में 80-90% की जगह दी जाए। बिहार के युवाओं को बाहर के राज्यों से भगाया जा रहा है और उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिलने से लाचार हो रहे हैं। 6800 से भी अधिक पदों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगी नियुक्ति। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए बिहार में अमीन, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक आदि के 6800 से अधिक पदों पर बहाली के लिए अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें पहले से कार्यरत संविदा पर कार्यरत अमीनों, सर्वेयर एवं कर्मियों को हटाया भी जा सकता है। बांका जिले के पप्पू हरिजन को स्मार्ट क्लास शिक्षा के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बिहार के बांका जिले के रहने वाले प्रोन्नत मध्य विद्यालय कुल्हरिया के प्रधान अध्यापक पप्पू हरिजन को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पप्पू हरिजन ने लीक से हटकर नई तकनीक के द्वारा बांका जिले के हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के जरिए उन्नयन की पढ़ाई शुरू की, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से चंदा इकट्ठा कर LED TV के साथ ही अन्य उपकरणों को लगाकर स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा, बिजली को बर्बाद होने से रोकें। सरकारी दफ्तरों और सचिवालय में जरूरत के बगैर ही जल रहे लाइट को देखकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बिजली की हो रही बर्बादी को रोकने को कहा है। बिहार में भागलपुर के सिक्के बने बोझ। भागलपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में 1 से 5 रुपए के सिक्के लगभग आजकल बाजार पर भारी पड़ रहे हैं, जिनमें 1 और 2 रुपए के सिक्के तो बिल्कुल लोगों पर बोझ बन चुके हैं। ग्राहक से लेकर दुकानदार हो या फिर ऑटो चालक, सभी 1 और 2 रुपए के सिक्कों को चलन में रहने के बावजूद भी लेने से आनाकानी करते हैं, जिसमें भागलपुर की बात करें तो वहां के सिक्कों को डंप किया गया है और उसकी गिनती हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं एशिया 11 टीम के कैप्टन। इतिहास में प्रथम बार एशिया 11 और विश्व 11 के बीच T20 खेला जाएगा। एशिया में एशिया के बेहतरीन खिलाड़ी और विश्व में विश्व के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होंगे। महेंद्र सिंह धोनी को एशिया एकादश की टीम का कप्तान बनाए जाने की भी संभावना है। रोड सेफ्टी और प्रदूषण से निपटने के लिए बनेंगे नियम। सूचना भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने बताया कि राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसमें राज्य में रोड सेफ्टी को लेकर भी कुछ नियमों को लागू किया जाएगा। इसके लिए डिवाइडर, फुटपाथ और ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। दीपिका के शिक्षक डॉक्टर एशले विलियम जोसेफ ने शेयर किया यह। आज शिक्षक दिवस के मौके पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के स्कूल शिक्षक डॉक्टर एशले विलियम जोसेफ ने एक लंबी पोस्ट को शेयर करते हुए उनके बारे में लिखा है कि मुझे गर्व है कि वे भारत में एक सुपरस्टार हैं। इसके अलावा वे बहुत शानदार खिलाड़ी, गायिका और डांसर भी हैं। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद, नालंदा, मोतिहारी, पटना, सुपौल, राजगीर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी और मधुबनी में गर्जना और धूल भरी हवा के साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।